Welcome back students. In the e-learning platform of GS World of Commerce, I am Assistant Professor Anul Patel. Welcome you all. So students, I have started a new topic, income from other sources, after completing two units, income from house property and then income from salary. So इस वीडियो के लेक्चर में हम एक नए यूनिट के साथ आए हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबसे पहले हम यही क्लियर करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता क्या है और उसका मीनिंग और उसको किस क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पता है कि इनकम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं उसके कुछ हेड बने हुए हैं, टोटल चार पांच हेड है, उस पांच हेड के अंदर ये इनकम कैलकुलेट होता है, जिसमें से सबसे पहला जो हेड था जिसका नाम था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हमने पढ़ा है अंडर सेक्शन 22 के अंदर। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम टैक्स का ही सेक्शन है अंडर सेक्शन 15 के अंदर। उसके बाद दो ऐसे कैलकुलेशन है जो आपको सिलेबस में गिवन नहीं है, वो कौन से है, सबसे पहला जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और उसके बाद का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये दो चीजें अगर छोड़ते हैं तो लास्ट वाला जो टॉपिक है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला बचता है। और इसका जो सेक्शन है यहाँ पर सेक्शन 56 के अंदर ये अदर सोर्सेज का पार्ट यहाँ पर आता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि हाउस से रिलेटेड इनकम फ्रॉम कैलकुलेट की, सैलरी के अंदर सैलरी से रिलेटेड इनकम कैलकुलेट की थी, बिजनेस अगर आप करते हो तो बिजनेस का इनकम बिजनेस के अंदर कैलकुलेट करेंगे, और जो भी हमारे कैपिटल असेट्स होती है कैपिटल लायबिलिटीज होती है मतलब कैपिटल असेट्स होती है उसका हम पार्ट कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल में पढ़ते हो। एक हमारे पास लास्ट वाला जो एक बचता है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबसे पहले हमें यही क्लियर करना है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन से इनकम आएंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मीनिंग क्या है। ये जो अभी मैंने चार हेड आपको गिनाए, सबसे पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद सैलरी, उसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बाद कैपिटल गेन, ये चारों को छोड़ के जो भी इनकम बचती है वो सभी के सभी कौन से केस में आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो अदर सोर्सेज के अंदर जो भी इनकम चारों चीज में नहीं मिलेगी वो सभी के सभी इनकम आपको यहाँ पर मिल जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर कोई इनकम आती है तो आप बोलेंगे कोई भी इनकम नहीं है, नहीं, तो उसमें से कौन कौन से हेड है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करें। तो इसमें से भी आपको चार हेड इनकम गिवन है अदर सोर्सेज के पार्ट में, कौन सा, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज, सेकंड है डिविडेंड ऑन शेयर्स, थर्ड है कैजुअल इनकम और फोर्थ है अदर इनकम। अदर इनकम में दो चार पार्ट और मिलेंगे आपको ये यहाँ पर, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अलग अलग इनकम। आज हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज से रिलेटेड सभी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो अपनी इनकम की तरफ चलते हैं। तो इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या होता है या इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या होता है, तो जो भी इंटरेस्ट आपको सिक्योरिटी से मिलती है, सिक्योरिटी का मीनिंग बोलेंगे जो भी शेयर्स है, शेयर्स बोलेंगे या डिबेंचर बोलेंगे, अदर इन्वेस्टमेंट है आपके जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है, डिबेंचर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, उसके बाद ये सबके लिए हमें एक कॉमन मिलता है जिसका नाम है इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मीनिंग होगी जो भी दस्तावेज या जो भी सर्टिफिकेट है जिससे आपको इनकम मिलती है वो सभी के सभी इनकम इनकम ऑन सिक्योरिटीज के अंदर आती है। इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज के यहाँ पर टू टाइप पड़ेंगे, देयर आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड सेकंड वन इज कमर्शियल सिक्योरिटी। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या होता है, तो जैसे ही बाकी के कंपनियों के पैसे की जरूरत पड़ने पर कोई सिक्योरिटीज इशू करती है, वैसे ही गवर्नमेंट भी अगर पैसे कम गिरते हैं तो उसमें अपनी सिक्योरिटीज इशू करने का अधिकार आरबीआई की तरफ दिया हुआ है, या पर्सनल को स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी सिक्योरिटीज बेच सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ से एक रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए गडकरी को एक रोड बनाना है और गडकरी के पास अभी पैसे नहीं, तो गडकरी क्या करता है अपने नाम का मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब या पर्टिकुलर वो रोड का एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और लोगों को बोलेगा कि आप हमें पैसे दो, हम आपको विद इंटरेस्ट आपको रिटर्न करेंगे या उसके आपको इंटरेस्ट देंगे। तो कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हमारी जो सिक्योरिटीज है वो ज्यादा सिक्योर्ड होती है, सिक्योर्ड होने के कारण हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या अदर लोकल गवर्नमेंट
सेक्रेटरी जो होते हैं उसको कहेंगे हम गवर्नमेंट सेक्रेटरी। कमर्शियल सेक्रेटरी का मीनिंग क्या होता है, तो जो कंपनी कमर्शियल प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी सेक्रेटरी इश्यू करती है उसको हम कमर्शियल सेक्रेटरी बोलते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, फिक्स डिपॉजिट इशू कर सकती है। ये डिपॉजिट कंपनी इशू करती है उससे भी उसको क्या मिलता है, देना पड़ता है इंटरेस्ट। तो जो भी सिक्योरिटीज हम परचेज करेंगे उस सिक्योरिटी पे हमें क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो जो इंटरेस्ट हमारा हम इसको क्या कहेंगे, एज ए इनकम ट्रीट करेंगे। तो जो इनकम हमें मिलता है वो किस सिक्योरिटी के अंदर किसके अंदर चला जाएगा उसका भी हेड कैलकुलेट करने के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला हेड है उसके अंदर चला जाएगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसे आपने लिखा है आपका कितने टाइप है, टू टाइप है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के, फर्स्ट था गवर्नमेंट सिक्योरिटी और सेकंड था कमर्शियल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर आपको फिर से दो टाइप मिलेगी, एक है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी और सेकंड है टैक्स लेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ये टैक्स फ्री और टैक्स लेस का मीनिंग क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है, जिस सिक्योरिटी के अंदर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है उसको हम टैक्स फ्री सिक्योरिटी में देखते हैं, टैक्स फ्री गवर्नमेंट, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमेशा पूरी क्या रहती है, एग्जम्प्टेड रहती है, मतलब इसमें आप कितना भी इनकम लगाओ कितने भी पैसे लगाओ इस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये क्या रहती है हमेशा एग्जम्प्टेड वाला पार्ट रहता है। कौन सी गवर्नमेंट वाली से, अगर गवर्नमेंट की टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाई देती है तो हमेशा उसको एग्जम्प्टेड कर दीजिए, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है टैक्सलेस कमर्शियल सिक्योरिटी या टैक्सलेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो टैक्सलेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो पहले क्या रहती है, ग्रॉस मतलब टैक्सेबल रहती है, टैक्सलेस में क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी, ठीक है। और उसके बाद कुछ बोला गया ये जो पार्ट है अलग अलग ये जो पार्ट हमने दिखाई पढ़ने वाला है अलग अलग, तो हमें क्या करना है, नॉट ग्रॉस ऑफ, नॉट ग्रॉस ऑफ का मीनिंग अगर टैक्सलेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी उसको हमें ग्रॉसअप नहीं करना है। ये ग्रॉसअप क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, सिर्फ आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि अगर टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड, और टैक्सलेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो तो फुल्ली टैक्सेबल, पर ब्रैकेट में आपको याद रखना है कि उसको नॉट ग्रॉसअप मतलब उसको ग्रॉसअप नहीं करना। तो देखो यहाँ पर फिर हम कमर्शियल सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं, तो कमर्शियल सिक्योरिटी में हमारे पास दो चीजें की बन रहेंगी, देर आर टू टाइप्स इन दिस कमर्शियल अंडर द कमर्शियल सिक्योरिटी, फर्स्ट वन इज टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज और सेकंड वन इज टैक्सलेस कमर्शियल सिक्योरिटीज। सो यहाँ पर जो भी दोनों की सिक्योरिटी है यहाँ पर क्या है, टैक्सेबल है, मतलब कमर्शियल सिक्योरिटी पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा, ये दोनों भी चीजें हमारे लिए क्या है, टैक्सेबल, मतलब दोनों ही चीजों पर हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो इसमें से कौन सी ग्रॉसअप करनी है और कौन सी ग्रॉसअप नहीं करनी है तो यह यहाँ पर आपको क्लियर करना है। अगर टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी गिवन है अगर वो ग्रॉसअप नहीं है तो इसको क्या करना, हमेशा ग्रॉसअप करना है, ठीक है। अगर वो ग्रॉसअप की वैल्यू गिवन नहीं है या डायरेक्ट इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है उसको हमें क्या करना है, ग्रॉसअप करना है। और यहाँ पर टैक्सलेस कमर्शियल सिक्योरिटी फुल्ली क्या है, टैक्सेबल है, इसको ग्रॉसअप कब नहीं करना है, जब आपको उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ अगर रेट गिवन है उस केस में आपको उसको ग्रॉसअप नहीं करनी है। जो कमर्शियल सिक्योरिटी है, कमर्शियल सिक्योरिटी में पहला जो पार्ट है मैंने बॉक्स में बना दिया, यहाँ पर क्या करना है, इन्वेस्टमेंट वाला जो रहता है ये अगर इन्वेस्टमेंट विद रेट गिवन है उसको ग्रॉसअप नहीं करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो आउट ऑफ अकाउंट लिख दो, बट अगर इंटरेस्ट गिवन रहता है तो उस इंटरेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉसअप करना। अभी ग्रॉसअप का मीनिंग क्या होता है ये बहुत समझना जरूरी है, ग्रॉसअप का मीनिंग होता है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वाला रहेगा उसमें क्या करना पड़ता है, टैक्स माइनस हो जाता है। तो जिस केस में टैक्स माइनस होता है उसको हम कहते हैं नेट वैल्यू या ग्रॉस ऑफ पर माइनस वैल्यू कर सकते हैं। और ग्रॉस ऑफ का मीनिंग क्या होता है, जिसमें इंटरेस्ट ऐड होता है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास 100 रुपए की सिक्योरिटीज है, मतलब 100 रुपए के इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, या पर 1000 रुपए की एक सिक्योरिटी आपके पास है, 1000 रुपए की क्या है सिक्योरिटी आपके पास है और आपको टोटल कितना
10% रेट से इंटरेस्ट मिलता है, 10% इंटरेस्ट कॉल होता है, कितना आना चाहिए, 100 रुपीज आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 100 रुपीज। पर गवर्नमेंट ये जो भी सोचता है वो आपको कितने दे रहे, 90 दे रहे। इसका मतलब ये जो 90 मिलेगी उसको करेंगे आप नेट, और जो 100 रहेगी वैल्यू उसको करेंगे ग्रॉस। उस वैल्यू को क्या करेंगे, ग्रॉस। मतलब शॉर्ट मीनिंग है ग्रॉस वैल्यू, मतलब टैक्स, जिस इंटरेस्ट के अंदर एड टैक्स होता है उसको हम कहेंगे ग्रॉस, और जिस इसके अंदर टैक्स माइनस होता है उसको कहेंगे नेट। ठीक है, ये चीजें आपको दो ध्यान में रखनी है। अगर नेट वैल्यू गिवन है तो उसको ग्रॉस अप करेंगे, और इसका जो सिक्योरिटी का रेट है हमेशा 10% ही होता है, फिक्स है। इसका जो रेट है कितना रहता है, हमेशा 10% ही रहता है, इसीलिए हमने ग्रॉस अप कर दिया। ग्रॉस अप का वैल्यू क्या रहेगा, अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय गिवन रेट, हमेशा 10% हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, जो भी गिवन रेट है उसको हमें वहां पे कैलकुलेट करना। तो ये था हमारा आज का पार्ट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब हमने पहला जो पार्ट है यहाँ पे कवर किया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इसके अंदर हमने ये जो पार्ट है आपको अच्छे से घर पर एक तो प्रिंट शॉट लिखकर आप अपने बुक में नोट डाउन करके लिख लीजिए, ये पूरा का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा चार्ट, जब भी आपका एमसीक्यू पेपर रहेगा तो इसमें आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इसी में आपको सॉल्व करना है। मतलब वहां पर मैं बताऊंगा इस इनकम को हम ग्रॉस अप कर रहे हैं, इस इनकम को हम ग्रॉस अप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज यहाँ पर अपनी क्लियर कर दी, वहां पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने इसको अलग से यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कैलकुलेशन होता है। फिर से एक बार मैं आपको ब्रश अप कर देता हूँ कि जब आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहेगा तो वहां पे टैक्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो टैक्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज टोटली एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब जब भी आपको टैक्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलेगी वो हमेशा क्या रहेगी, एग्जम्प्टेड रहेगी, मतलब उस पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टैक्सलेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टैक्सलेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दिस सिक्योरिटी टैक्सेबल, दिस सिक्योरिटी विल बी टैक्सेबल इन अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड इसको क्या करना है, बट इंटरेस्ट विल बी नॉट ग्रॉस, मतलब उस इंटरेस्ट को हमें ग्रॉस अप नहीं करना है, जो इंटरेस्ट हमें गिवन है उस इंटरेस्ट को हमें ग्रॉस अप नहीं करना। थर्ड कमर्शियल सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी, टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी इज टोटली टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बट विल बी द टैक्सेबल, विल बी द ऑलवेज ग्रॉस अप, इसको हमेशा क्या करना है, ग्रॉस अप ही करना है, जो भी टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहेगी उसको हमेशा क्या करना है, ग्रॉस अप करना है, ऑलवेज ग्रॉस अप करना है। और लास्ट वाला जो पार्ट है कौन सा है, टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी, इसमें अगर इंटरेस्ट का मतलब कि इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट रेट इज गिवन उसको नॉट ग्रॉस अप में देना है, और ओनली इंटरेस्ट इज गिवन सिक्योरिटी विल बी ग्रॉस अप, ऑलवेज ग्रॉस अप। इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ओनली इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन है इज गिवन देन ऑलवेज ग्रॉस अप, एंड इन्वेस्टमेंट विद रेट गिवन है नॉट ग्रॉस अप, ये दो चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसका चार्ट आपसे यहाँ से ड्रॉ करना है, और इसका जो भी वैल्यूएशन है वो आपको मैं इसी वीडियो के नीचे जो लिंक रहेगी वहां पर जाइए, और ये जो मैंने लिख के दी है उसको आपको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। ये हमारा पहला वाला है, उसके बाद क्या हम डिविडेंड, कैजुअल इनकम, अदर इनकम के अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसमें से हम दो पार्ट लेंगे, पहला डिविडेंड ऑन शेयर्स और दूसरा कैजुअल इनकम, ये दो इनकम का पार्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए और उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत